दोस्तों, अगर आप सब लोग आईपीएल फॉलो करते होंगे तो विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन हक के बीच हुई लड़ाई की कहानी तो पता ही चल गई होगी। 1 मई को लखनऊ सुपर जायंट और रॉयल चैलेंजर बंगलोर के बीच खेले गए मैच को आरसीबी ने 18 रनों से जीत लिया था, जबकि इस मैच को हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। वही मैच के बाद विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन हक के बीच लखनऊ के होम ग्राउंड पर जो हुआ आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। वहीं यह घटना आईपीएल इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है और काफ़ी दिनों तक याद किया जाएगा यह मैच। मगर आईपीएल इतिहास में यह अकेली लड़ाई नहीं है जो हुई हो, इससे पहले भी कई लड़ाई आईपीएल इतिहास में देखी जा चुकी है। एक बार तो आईपीएल में हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच आईपीएल में इस कदर लड़ाई हो गई थी कि हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ तक मार दिया था। आइए जानते हैं कुछ ऐसी लड़ाइयों के बारे में जो आईपीएल इतिहास में हो चुकी हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में स्वागत है। अगर बात किया जाए आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट हमेशा ही हाई वोल्टेज मैचों के लिए जाना जाता है। टूर्नामेंट में सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों को भी अपना आपा खोते हुए कई बार देखा जा चुका है। वहीं अगर बात किया जाए आईपीएल में हुई फाइट की, तो इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आता है हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच हुई लड़ाई की। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई यही लड़ाई मानी जाती है। मुंबई इंडियंस के हरभजन सिंह और किंग 11 पंजाब, जो इस टाइम पर पंजाब किंग्स के नाम से जानी जाती है, टीम के श्रीशांत के बीच लड़ाई हो गई थी, जो आईपीएल 2008 में देखने को मिली थी। इस घटना के बाद मुंबई इंडियंस ने मैच भले ही जीत लिया था, लेकिन फील्ड पर श्रीशांत को रोते हुए भी देखा गया था मैच के बाद। हरभजन ने श्रीशांत को मैच के दौरान हुई फाइट में थप्पड़ तक मार दिया था, जिसके बाद हरभजन को बाकी बचे आईपीएल सीजन के लिए मैच से बैन कर दिया गया था। मगर अब इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है। वही नंबर 2 पर विराट कोहली और किरण पोलार्ड की फाइट आती है। आईपीएल के इतिहास में एक बार विराट कोहली और किरण पोलार्ड की भी लड़ाई देखने को मिली थी, मुंबई इंडियंस से किरण पोलार्ड के बीच हुई थी। मैच में जब कोहली ने पोलार्ड को आउट किया था तो पोलार्ड गुस्सा में आ गए थे और उन्होंने अपना बल्ला विराट कोहली की तरफ फेंक दिया था। तब भी विराट और पोलार्ड के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। तब साथी खिलाड़ी ने बीच बचाव किया था और फिर सब कुछ शांत किया गया था। वहीं नंबर 3 पर रविचंद्रन अश्विन और एरॉन फिंच की भी लड़ाई आती है। आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के रविचंद्रन अश्विन और रॉयल चैलेंजर बंगलोर के एरॉन फिंच के बीच भी तीखी बहस हो चुकी है। उस फाइट के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने बॉल डालने के लिए रनअप लिया ही था, मगर बॉलिंग एंड पर खड़े एरॉन फिंच क्रीज से पहले ही बाहर निकल चुके थे। तब अश्विन ने बीच में ही रुककर एरॉन फिंच को वार्निंग दिया था, तब दोनों के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली थी। वही 4th नंबर पर गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुए 2013 की फाइट आती है। अगर बात करें विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए फाइट की, तो विराट कोहली और गौतम गंभीर आईपीएल में इससे पहले भी एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। साल 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहते हुए गंभीर और वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हुआ करते थे। इन दोनों के बीच भी उस वक्त भी दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी और प्लेयर्स को बीच में आकर दोनों को शांत करना पड़ा था। इसके बाद से कोहली और गंभीर एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते हुए देखे गए और ना ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। इस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ ही इसी प्रकार की क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।